सपोज दिस इज एम, मास है जो, ये एक मास है एम और ये मास एम, ये मास एम वी वेलोसिटी से भाग रहा है, तो हम जानते हैं इसकी नॉर्मल रिएक्शन इधर काम करेगी, फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा एफ एफ, और इनके बीच का रिजल्टेंट आ जाएगा आर, और इस एंगल को हम बोलेंगे फ्रिक्शन एंगल बीटा। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन एंगल बीटा। यही कॉन्सेप्ट हमने चिप चिप के ऊपर लगाया था, चिप और रेक सरफेस के इंटरफेस पे, ठीक है, और वहां से हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाला था। तो सी एवरीवन, इसी कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैंने नाम दे दिया म्यू। म्यू इज द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस, बिटवीन द इंटरफेस एयर। जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है क्या, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है टेन बीटा, और टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा यहां से अगर चेक करूं तो टेन बीटा हो जाएगा एफ एफ बाई एन, यानी फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो को हम लोग बोलते हैं म्यू, ठीक है। तो डायरेक्टली म्यू क्या, म्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ एफ बाई एन, या और म्यू इक्वल टू टेन बीटा, वेयर बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल, बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल, ठीक है दोस्तों। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं म्यू की, तो म्यू म्यू कैसे निकालना है, मैं फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, तो यहां से क्या पता चल जाएगा, मैं यहां से मैं म्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा मर्चेंट सर्कल डायग्राम था, यही था दोस्तों, ये था एफ एफ और ये क्या था, ये था एन, ये एन था और ये था आर, और ये एंगल क्या था, बीटा था। तो यहां से भी बेटा साफ साफ पता चल रहा है क्या, यहां से अगर टेन बीटा निकालूंगा मैं, जिसको हम लोग म्यू भी बोलते हैं, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, एफ एफ बाई एन, एफ एफ बाई एन। तो मेरे दोस्तों याद रखना, आज से जो टॉपिक है वो है कॉफी ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज एफ एफ बाई एन, और कॉफी ऑफ फ्रिक्शन को हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, टेन बीटा, ठीक है। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे, तो याद कर लेना व्हाट इज म्यू, म्यू इज द टेन बीटा या टेन बीटा इक्वल टू म्यू। तो अगर आपको बीटा दे दिया जाए, फ्रिक्शन एंगल अगर दे दिया जाए, तो क्या आप लोग म्यू निकाल लेंगे, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, टेन उस बीटा का टेन ले लेंगे, तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें वहां से पता चल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहां पे होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहां पे होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा रेक सरफेस, और यहां से कौन निकलता है, चिप। तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द इंटरफेस ऑफ चिप एंड, ये जो म्यू निकाला कहां पे निकाला, यहां पे निकाला है, इंटरफेस ऑफ चिप एंड टूल, ठीक है दोस्तों। तो चिप और कटिंग टूल के बीच का जो इंटरफेस है, वहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज द म्यू। तो यहां से बेटा हम लोग म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस, अन एकेडमी कॉम्बैट, कंपीट, क्रैक, कॉन्कर, अ चैलेंजिंग गेट कॉन्टेस्ट engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with a test to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.